बाद अब की बार यहाँ पर एक और बात का जिक्र हम करना चाहते हैं कि ये पूरा शो लाइव प्रोग्राम के रूप में VTV गुजराती पर दिखाया जा रहा है और बहुत सारे लोग अपने घर में बैठकर VTV पर भी इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत आप लोग हैं जो इसे लाइव इतने प्यारे अंदाज में यहाँ पर सुन रहे हैं। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर, आपकी ताली आपके घर तक पहुँचनी चाहिए। शंकर जयकिशन जब गाना बनाते हैं तो मेरे ख्याल से वो गाना 3 मिनट का, 4 मिनट का नहीं, बल्कि उसका हर एक लम्हा बनाते हैं। ये तो मैं पूरी तरह पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं कि किसी भी गीत से आप शंकर जयकिशन के म्यूजिक का कोई एक छोटा सा पीस भी नहीं निकाल सकते। जो गाना आपकी बार आपके लिए पेश किया जा रहा है, आवारा हूँ टा, इस म्यूजिक के बगैर कोई मेरे को गा के बताए, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस छोटे से म्यूजिक पीस को भी उस गाने से निकाल नहीं सकते। तो इसका मतलब ये भी साबित करता है कि शंकर जयकिशन में 4 मिनट का गाना नहीं, उस गाने का हर एक लम्हा बनाया है और इस तरह से खूबी से बनाया है कि वो अपने आप में एक बेमिसाल उदाहरण बनकर आया है कि जिससे आप एक लम्हा भी निकाल नहीं सकते। इन्हीं खूबियों के साथ आवारा का ये टाइटल ट्रैक आपके लिए मुख्तार शाह पेश करने के लिए तैयार है। 1951 की ये फिल्म, शैलेंद्र की लिखाई, मुकेश जी की आवाज़, और आइए सुनते हैं अगली पायदान पर आप सबकी तालियों के साथ, क्योंकि ये गाना मेरे ख्याल से सबकी तालियों के साथ सुनेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ये गीत रशिया और आउटसाइड इंडिया बहुत सुना गया और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया,
लेकिन एक और स्टेटमेंट सत्यजीत रे साहब और पंडित रविशंकर साहब ने किया है. जब पंडित रविशंकर की विदेशों में कहीं महफिल चल रही थी और उनसे एक उनके चाहने वाले वहां पर आए, उन्होंने कहा कि आपने हिंदुस्तानी संगीत को विश्व तक पहुंचाया है या फिर हिंदुस्तान के बाहर निकाला है, तब बड़ी नम्रता से उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने नहीं, ये काम सबसे पहले शंकर जयकिशन ने किया है और इतनी खूबी से किया है कि कोई भी दिल जो धड़कता है वो शंकर जयकिशन की रचनाओं पर डोलना जानता ही है. इतनी खूबी से उन्होंने अपने संगीत को, चाहे फिर वो उसे समझ में आए या ना आए, लेकिन उनकी धुनों में वो जादू था कि वो लोगों के दिलों को डोलने पर मजबूर